हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं एडी क्रिकेट न्यूज। तो 2021 के आईपीएल के मिनी ऑक्शन के लिए सभी टीम अपना स्ट्रेटजी और प्लान्स रेडी कर रहा है और उसी में सनराइजर हैदराबाद भी अपना प्लान्स और स्ट्रेटजी रेडी कर लिया है। तो आज मैं इस वीडियो में सनराइजर हैदराबाद के बारे में बताने वाला हूँ और इससे पहले भी मैं 6 प्लेयर टीमों के बारे में बता चुका हूँ। वो अगर आप लोगों को देखना हो तो वो आप आई बटन में जाकर देख सकते हैं या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वहां से भी जाकर देख सकते। तो आज मैं इस वीडियो में सनराइज हैदराबाद के टीम के रिटर्न और रिलीज खिलाड़ी कौन कौन सा प्लेयर्स को किया गया है वो बताने वाला हूँ। उसके साथ बताने वाला हूँ कि सनराइज हैदराबाद के टीम में कितना बैलेंस पर सभी अवेलेबल है और उसके बाद मैं बताऊंगा कि सनराइज हैदराबाद का प्रेडिक्टेबल प्लेइंग 11 कैसा हो सकता है और क्या हो सकता है और लास्टली मैं बताऊंगा प्रेडिक्टेबल प्लेइंग 11 को देखकर कि कौन कौन सा प्लेयर्स को नया इंक्लूड किया जा सकता है इस प्रेडिक्टेबल प्लेइंग 11 में, वो भी बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही नॉलेजेबल भी होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर मेरा वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आप लोगों का कुछ भी नहीं जाएगा और मेरा थोड़ा नहीं बहुत ही बड़ा हो जाएगा, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि सनराइजर हैदराबाद की टीम में कौन कौन सा प्लेयर्स को रिटेन और रिलीज किया गया है, तो सबसे पहले रिटेन लिस्ट में नाम आता है डेविड वार्नर, मनीष पांडे, केन विलियमसन, जॉनी बेयरस्टो, रिद्धिमान शाह, श्रीपद गोस्वामी, प्रियम गार्ग, विराट सिंह, राशिद खान, विजय शंकर, मोहम्मद नावी, अभिषेक शर्मा, मिचेल मार्श, जेसन होल्डर, अब्दुल समद, डीन नटराजन, खलील अहमद, संदीप शर्मा, बैसल थम्पी, सहवाज अहमद, सिद्धार्थ कौल और लास्टली भुवनेश्वर कुमार। तो इन 22 खिलाड़ियों को सबसे पहले रिटेन किया गया है, तो आप समझ ही गए होंगे कि सनराइज हैदराबाद का ही रिटेन लिस्ट सबसे ज्यादा है, मतलब 22 खिलाड़ी को रिटेन किया गया है। उसके बाद जिन खिलाड़ियों को छोड़ दिया गया है, मतलब रिलीज किया गया है, तो रिलीज के नाम है बिली स्टैनलेक, फोबिन एलन, संजय यादव, बी संदीप और लास्टली वाई पृथ्वीराज। तो इन सभी खिलाड़ियों को रिटेन और रिलीज किया गया है एसआरए यानी सनराइज हैदराबाद के टीम से। और उसके बाद अगर हम बात करें कि सनराइज हैदराबाद के टीम में कितना बैलेंस पर सभी अवेलेबल है, मतलब मिनी ऑक्शन के लिए कितना पैसा खर्च कर सकता है और कौन कौन सा प्लेयर्स को नया ले सकता है, तो अगर बैलेंस पर की हम बात करें तो सबसे पहले आप देख ही सकते हैं कि सनराइज हैदराबाद का जो टीम है उनमें टोटल 22 खिलाड़ी है और उनमें से 7 खिलाड़ी है ओवरसीज और टोटल मनी इन 22 खिलाड़ियों के ऊपर स्पेंड किया है 74.25 करोड़ रुपए। और उसके बाद जितना पर्स अभी अभी अवेलेबल है तो वो है 10.75 करोड़ रुपए, मतलब बहुत ही कम पैसा अवेलेबल है सनराइजर हैदराबाद के पास। और उसके बाद अगर देखा जाए कि स्लॉट कितना अवेलेबल है तो 3 स्लॉट टोटल अवेलेबल है और उनमें से एक है ओवरसीज स्लॉट, मतलब टोटल 3 स्लॉट में एक है ओवरसीज और 2 है भारतीय खिलाड़ी, मतलब रख सकता है सनराइजर हैदराबाद, मतलब नीलामी से ले सकता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि सनराइजर हैदराबाद का मतलब हैदराबाद को नया प्लेयर्स का जरूरत उतना नहीं है। तो उसके बाद अगर हम प्रेडिक्टेबल प्लेइंग 11 के बारे में बात करें कि सनराइज हैदराबाद की टीम का प्रेडिक्टेबल प्लेइंग 11 क्या हो सकता है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मैं रिद्धिमान शाह और डेविड वार्नर को ओपन कराया हूँ। तो उसके बाद मैं रखा हूँ केन विलियमसन को, 4 नंबर पे मनीष पांडे, 5 नंबर पे प्रियम गार्ग, 6 नंबर पे मिचेल मार्श, 7 नंबर पे विजय शंकर, 8 नंबर पे राशिद खान, 9 नंबर पे सहवाज अहमद, 10 नंबर पे टी नटराजन और लास्टली 11 नंबर पे भुवनेश्वर कुमार। तो यही होने वाला है सनराइज हैदराबाद के टीम का प्रेडिक्टेबल प्लेइंग 11। आप लोगों को क्या लग रहा है कि कौन सा चेंजेस हो सकता है वो आप मुझे जरूर कमेंट में बता सकते हैं। और एक बात कि विराट सिंह जो खिलाड़ी है उनका परफॉर्मेंस मतलब सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बहुत ही बढ़िया था और विराट सिंह भी इस टीम में खेल रहा है, तो उनको भी चांस मिलना चाहिए और वो भी खेल सकता है प्रेडिक्टेबल प्लेइंग 11 में। तो उसके बाद अगर हम बात करें कि इस प्रेडिक्टेबल प्लेइंग 11 में कौन से जगह पर एक खिलाड़ी को एक्स्ट्रा लिया जा सकता है, तो आप देख सकते हैं कि इस टीम में राशिद खान जैसा स्पिनर है लेकिन और एक सेट स्पिनर है वो है सहवाज अहमद। सनराइजर हैदराबाद चाहेगा कि और एक अगर इंडियन बढ़िया स्पिनर को लिया जाए तो मतलब सनराइजर हैदराबाद का ही बहुत ही फायदा हो सकता है। तो अगर इंडियन स्पिनर की बात करें तो 2 स्पिनर का नाम निकल कर सामने आ रहा है, एक है पवन नेगी और दूसरा है कृष्णप्पा गौतम। तो इन दोनों को ही मतलब इन दोनों नाम ही सामने आ रहा है और इन दो में से किसी भी एक खिलाड़ी को सनराइजर हैदराबाद ले सकता है। और अगर ओवरऑल बात करें तो सनराइजर हैदराबाद का टीम पहले से ही पूरा रेडी है और बहुत ही बढ़िया है, तो सनराइजर हैदराबाद का उतना मिनी ऑप्शन से लेना देना नहीं है।
तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा वो आप मुझे जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर ऐसी वीडियो और भी डेली देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।